हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज इस वीडियो में देखने वाले राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू एन यूजिंग व्हाइल लूप। सो लेट्स गेट द वीडियो गाइस। गाइस मेरे पास है क्वेश्चन और टाइप है राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू एन यूजिंग व्हाइल लूप। मैं सिंगल लाइन कमेंट कर रहा हूं। नाउ सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को स्टैटिकली क्रिएट करूंगा। सो मैं यहां टाइप कर रहा हूं स्टैटिक क्लास, क्लास का नाम रख रहा हूं मैं लूप 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन strng string args argument। now सबसे पहले हमें यहाँ कुछ वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। सो मैं डिफाइन कर रहा हूँ इंटीजर i कॉमा n। स्टैटिक प्रोग्राम है इसलिए मैं i की वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ 1 एंड n की वैल्यू राइट नाउ मैं दे रहा हूँ 10। अब हमें यूज करना है लूप। सो मैं टाइप करूंगा while ब्रैकेट शार्ट ब्रैकेट एंड और मैं टाइप करूंगा जब तक मेरा n ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है i है, ग्रेटर देन और इक्वल टू i, जब तक n ग्रेटर देन इक्वल टू आई है तब तक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डबल कोट्स, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे आई सेमी कोलन एंड यहाँ हम कर देंगे आई प्लस प्लस। सो जनरली कभी भी जब भी हम लूप चलाते हैं हमें तीन चीजें करनी कंपलसरी है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, तो मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया था आई को 1 और एन को 10। देन मैंने यहाँ पर यूज किया एक कंडीशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ किया इनिशियलाइजेशन, मैं टाइप कर रहा हूँ इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप था कंडीशन condition एंड यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ किया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ ऑपरेटर्स करते हैं। हमने यहाँ इंक्रीमेंट किया है, हम यहाँ डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया, देन हमने एड अप किया कंडीशन के साथ, फाइनली इनिशियलाइज फाइनली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सो कोई भी लूप, जब भी आप लूप क्रिएट करोगे यूजिंग व्हाइल लूप फॉर लूप और डू व्हाइल लूप, ये तीन चीजें मस्ट होंगी, इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसे सेव कर रहा हूं प्रेसिंग कंट्रोल एस एलओपी लूप 1.जावा, यहां से मिनिमाइज करते हैं। यहां पर आ गया लूप 1, मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं सीएमडी जावा सी एल डॉट टाइप करूंगा तो यहां पे जाकर लूप 1.जावा एंटर करते हैं। अगेन यहां पे यहां से सी को रिमूव करते हैं एंटर। सो यहाँ गया 1 to 10। सो ऑल नेचुरल नंबर्स, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन यही था राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n यूजिंग व्हाइल लूप। सो यहाँ पर ये 1 to n, n में जो भी नंबर था वो प्रिंट हो गया। ये स्टैटिकली था इसलिए मैंने 1 और 10 स्टार्ट किया। इसे डायनामिकली भी देख लेते एक बार। सो मैं ऐसे सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट कर रहा हूँ स्टैटिक वाले पार्ट को एंड यहाँ पे एंड करता हूँ मल्टी लाइन कमेंट को। अगेन यहाँ सिंगल लाइन कमेंट आएगा डायनामिक, आ जाएगा क्लास, क्लास का नाम आ जाएगा लूप 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड मेन strng string args आर्ग्यूमेंट, यहां पर आएगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन, यहां आ जाएगा स्कैनर scann या स्कैनर इन, स्कैनर इन is equal to new scanner scanner system.in semicolon। now similarly हम टाइप करेंगे यहाँ पे integer i equal to 1 comma और n semicolon। now n की वैल्यू मुझे यूजर से लेनी है, so यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा system.out.println double quotes enter the number semicolon, यहाँ पर आएगा n इज इक्वल टू इन डॉट एनी एक्स टी नेक्स्ट इंटीजर अगेन सेमीकोलन। नाउ टाइप करेंगे while, while के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे while, तो मेरा n ग्रेटर देन इक्वल टू i है तब तक नॉट प्रिंट एल एन आई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई सेमीकोलन आगे आ जाएगा i प्लस प्लस अगेन सेमीकोलन। सेव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सीएमडी ओपन है मेरे पास, यहाँ पे सीएमडी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं सी एल एस टाइप कर रहा हूँ क्लियर स्क्रीन। अगेन इस लूप को रन कंपाइल किया, रन करते हैं एंटर द नंबर 6 सो 1 to 6, अगेन एंटर नंबर 8 सो 1 to 8। सो गाइस आई होप क्लियर हो गया होगा हाउ टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n यूजिंग व्हाइल लूप इन जावा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।